Right class. Now this is multi-threading basically when you create a main program and during that main program there are multiple of child programs are running also. For example, this is this blue area jo hai, this is called a parent program. ठीक है, ये एक पेरेंट प्रोग्राम है जो कि वो पहले हमारे पास, हमने जैसे डबल क्लिक किया किसी भी प्रोग्राम के ऊपर, ये हमारे पास क्या बनाएगा, पेरेंट प्रोग्राम। नाउ जैसे ही पेरेंट प्रोग्राम बना तो इसके अंदर हम जो जो चीजें यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने फाइल ओपन करी तो उसका एक प्रोग्राम बन गया, हमने दूसरी कोई हमने कॉपी करा डेटा तो उसका एक इसका एक प्रोग्राम बन गया। तो ये जो छोटे दैट सब प्रोग्राम्स जो हैं, दो सब प्रोग्राम्स आर कॉल्ड चाइल्ड प्रोग्राम्स एंड दीज चाइल्ड प्रोग्राम्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रेडिंग। ठीक है, ये थ्रेडिंग भी कहलाती हैं, यानी कि जितने भी चाइल्ड होंगे, जितने भी चाइल्ड प्रोग्राम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, थ्रेड्स। थ्रेड जो है वो एक सिंगल एंटिटी होते हैं प्रोग्राम की। अच्छा, इस प्रोग्राम के अंदर यानी कि अब ये देखिए, ये खुद चाइल्ड है, यानी कि जिसको मैं सर्कल किया हुआ, ये खुद एक चाइल्ड प्रोग्राम है, मगर इस चाइल्ड के अंदर भी बहुत सारे सब प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो अब ये जो मेन, अब ये जो ब्लू येलो एरिया है, ये नीचे वाले येलो एरिया का तो पेरेंट बनेगा, मगर दूसरे वाले जो ब्लू एरिया का चाइल्ड बनेगा। सो बेसिकली ये वाले जो हमारे पास, ये वाले जो एरिया है, जो जो येलो एरिया है, जो चाइल्ड का भी चाइल्ड है। ठीक है, इसे इसे भी हम थ्रेडिंग में ही काउंट करेंगे। ठीक है, बिकॉज दीज आर ऑल्सो थ्रेड्स ऑफ दिस प्रोग्राम एंड दिस प्रोग्राम इज अ थ्रेड ऑफ दिस प्रोग्राम। सो अब ये एग्जीक्यूट कैसे होंगे? सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन होगी लास्ट थ्रेड्स की होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लास्ट टू थ्रेड जो है, लास्ट टू प्रोग्राम जो है आर कॉल्ड द चाइल्ड प्रोग्राम्स ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, ये इसके पेरेंट के चाइल्ड हैं। This will be executed first. Then, when it will finish it, जैसे ये execute होगा, ये finish हो जाएंगे, then it will be removed from the memory and it will go back into the parent program. Similarly, this parent program is now the child of a main program. So this child program will execute on the second occasion. अब ये second time पे ये execute करेगा. एंड आफ्टर, ये भी हमारे पास सेकेंड टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा। दोनों प्रोग्राम जो है वो सेकेंड स्टेज पे एग्जीक्यूट होंगे। नाउ इन द लास्ट, दिस इज कॉल्ड एन एग्जीक्यूशन ऑफ द लास्ट मेन प्रोग्राम। ये आखिर में जाके क्लोज होगा और ये आखिर में जाके फिनिश होगा। नाउ इसकी एग्जाम्पल्स ऐसे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने MS Word ओपन करूँ, MS Word बेसिकली इज अ पेरेंट प्रोग्राम। Now, MS Word is a parent program, but उसके अंदर अगर मैं let's say file का menu open करता हूँ या कोई animations उसके अंदर add करता हूँ या उसके अंदर कोई मैं clip art जो है क्या कहते हैं arrange करता हूँ, तो that clip art is a thread. इसी तरह से that basically copying and pasting of anything is called a thread, because every operation, everything, every work that you do inside a program is called a thread. इस उसकी अपनी एक एंटिटी होगी, उसके अपने फंक्शन होगा, उसके अपने प्रोसेसेस होंगे। सो दीज आर कॉल्ड बेसिकली अ पेरेंट प्रोग्राम इज कॉल्ड एज द मेन वन, एंड अब उसके जो सब प्रोग्राम्स कहलाते हैं दैट इज कॉल्ड अ थ्रेड और अ चाइल्ड प्रोग्राम। एंड इवन अ चाइल्ड प्रोग्राम कैन ऑल्सो हैव अ मल्टीपल चाइल्ड एज वेल। ठीक है, अब एक प्रिंसिपल है दैट यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, थ्रेड्स आर ऑलवेज हायर और इक्वल। थ्रेड्स हमेशा जो है वो या तो हायर होंगी या उसके इक्वल रहेंगी, इक्वल टू द प्रोसेसेस। जो प्रोसेसेस होंगे वो या तो हमेशा लोअर होंगे या इक्वल होंगे। तो यहां पर हम देखते हैं प्रोसेसेस कितने, टोटल प्रोसेसेस कितने या प्रोग्राम्स कितने, 1, 2, 3 टोटल प्रोसेस कितने, हमारे पास 3 प्रोसेसेस है। नाउ वॉट आर द टोटल चाइल्ड कितने, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे पास टोटल चाइल्ड आ गए 4 चाइल्ड। तो दिस इज बेसिकली अ मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस जिसमें हम लोग जो है वो एक
मेन प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं उसके सब प्रोग्राम्स के अंदर, और वो एक सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम है, यानी कि सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम या इंस्टेंस कह लीजिए या सिंगल यानी इंस्ट्रक्शन, ओके, दैट इज कॉल्ड अ मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस. नाउ एनी क्वेश्चंस स्टिल हियर? आयला, अदील, वानिया, ओकाशा, सबीहा, यस जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड इट. ओके, आई नीड टू सी योर थम्स. यस, गुड. ऑल ऑफ यू गुड? राइट, थैंक यू सो मच. नाउ I will going to show you one more task manager पर हम जाते हैं. Can you see the screen now? Screen सबको नजर आ रही है? अधीर, आपको स्क्रीन नजर आ रही है टास्क मैनेजर की? Right, class. Now, let me share the screen again. Can you see the screen? Can you see the screen all? Class, please do reply me. Adil Itahar, Arshin, Ayla, Zuna, please tell me. Yes, class. Can you hear me? Aapko awaaz aa rahi meri? Yes, I'm sorry. Okay. Kuch internet ka issue hai jiski wajah se class jo hai wo disturb ho rahi thodi, but I hope ke jo hai wo aapko cheezein clear ho rahi hongi. Multi threading aapko sabko clear ho gayi hai? Yes. Yes. Is it clear to all of you? Just give me a thumbs up. Multi-threading clear hai sabko? If you have understood it, please give me a thumbs up. Okasha, Sabiha, Baneen. Okay. Right. Now, coming back onto the next topic, okay, that is called as the spooling topic. Spooling basically, okay, Vanya, take out your book and open the page number 21 and read the paragraph of the spooling, okay. Okay, class, let me just give you, wait for it. Okay, can you see this diagram of spooling? Class, can you hear yes, me? Sir. आपको ये इस डायग्राम नजर आ रही है स्पूलिंग टेक्निक्स की? जी सर. ओके, नाउ अब देखिए होता क्या है कि अब जैसे हमारा एक प्रिंटर है, दिस इज प्रिंटर, ठीक है. अब ये प्रिंटर जो है ये प्रिंटर जो है बेसिकली हमारी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर रहा होता है, ठीक है. जैसे ही वो प्रिंट कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल वो किस तरह से प्रिंट करता है, हमारे कंप्यूटर जो है, हमारा जो सीपीयू होता है, दैट सीपीयू इज कनेक्टेड विद द प्रिंटर. सिमिलरली हमारा जो मॉनिटर है, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द सीपीयू एज वेल. ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, वी दिस इज यू नो एक ब्लू, ये जो ना डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे सर्कल छोटे से, दिस इज द डेटा दैट वी वांट टू प्रिंट. हमने ये चीज प्रिंट करवानी है. अब हमने क्या किया, सबसे पहले
ये डेटा कंप्यूटर को भेजा, हमने कहा कि भाई आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस डेटा और ये आप काइंडली इसको प्रिंट कर दीजिए। अब उसने क्या किया कि सीपीयू ने ये सारा डेटा लिया और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए ये सारा डेटा प्रिंटर के पास भेज दिया। तो जैसे ही ये प्रिंटर के पास गया तो यहाँ से प्रिंटिंग शुरू हो गई, ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। मगर उसी के जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो रहा था, अच्छा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि अब जैसे ही वो एग्जीक्यूट, एज सून एज वो द प्रिंटर स्टार्टेड द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शंस, आई हैव सेंड 3 मोर इंस्ट्रक्शंस मोर टू द प्रिंटर, यानी कि दीज रेड सर्कल्स डॉट्स आई हैव सेंड इट टू द प्रिंटर टू प्रिंट इट अगेन टू प्रिंट मोर प्रिंट्स। तो अब यहाँ से ये चीजें जो है वो अगेन सीपीयू के पास में, सीपीयू हैज सेंड दिस डेटा अगेन, बट मीनवाइल जब तक वो मेन डेटा जो पहले मैंने भेजा था वो प्रिंट हो रहा था, ठीक है, जब तक वो प्रिंट हो रहा होगा तो वो प्रिंट होते होने के दरमियान दैट रेड जो डेटा है इट विल बी सेव्ड इनटू अ मेमोरी, ओके, एंड दैट मेमोरी इज कॉल्ड बफर मेमोरी, ओके, एंड स्टोरिंग दैट डेटा इनटू द बफर मेमोरी इज कॉल्ड स्पूलिंग। आप उस डेटा को इस बफर मेमोरी के अंदर जो सेव करेंगे थोड़े टाइम के लिए, यानी कि आपका आपका प्रिंटर फ्री हो जाए और उस प्रिंटर को फ्री होने के बाद जब डेटा जो है क्या कहते हैं उसके पास प्रिंटर के पास कोई और डेटा ना रहे, तो न्यू डेटा जो है वो जो बफर मेमोरी में पड़ा था उसको उस वक्त तक वेट कराना है ताकि आपका प्रिंटर फ्री हो तो उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो दैट इंसर्शन ऑफ द डेटा इनटू द बफर मेमोरी इज कॉल्ड द स्पूलिंग। ये एक पूरी स्पूलिंग टेक्निक होती है जिसमें आप अपना जो मल्टीपल, फॉर एग्जांपल 10,000 लोगों ने एक साथ जो है प्रिंटर पे प्रिंट भेज दिए, सबके प्रिंट एक साथ ही मिल जाएंगे, ठीक है, तो एक एक करके निकलेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरा प्रिंट जैसे ही प्रिंटर से निकलेगा दैट आफ्टर दैट प्रिंट जो उसकी कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी होगी, जो बफर मेमोरी होगी, उस बफर मेमोरी के अंदर वो सारे जो प्रिंट कमांड्स है दे विल वेट फॉर अ वाइल, एंड दैट वेटिंग मैकेनिज्म और जो स्टोरिंग मैकेनिज्म है इन अ बफर मेमोरी इज कॉल्ड अ स्पूलिंग टेक्निक। गॉट इट? यस क्लास, यस गॉट इट? अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज डू नॉट हेजिटेट, प्लीज डू लेट मी नो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम अभी यहाँ पर है, एक एक स्टेप को मैं अगेन दोबारा समझा दूंगा कि किस तरह से प्रिंटर, मैं आपको दोबारा बोल के समझा देता हूँ। एक प्रिंटर को आपने यस ये बफर मेमोरी में थोड़े से टाइम के लिए सेव होता है ना, जब तक वो उसको एग्जीक्यूट ना कर दे। बिल्कुल, बफर मेमोरी में बेसिकली आपके कंप्यूटर की मेमोरी होती है जो कि एक बफर मेमोरी होती है जो कि टेम्पररी मेमोरी है, उसके अंदर डेटा सेफ होगा और सेफ होने के बाद जैसे ही वो आगे एग्जीक्यूशन की भी जगह खाली बचेगी वो बफर मेमोरी से डेटा रिलीज होके सीपीयू की तरफ चला जाएगा। तो उससे फायदा क्या होगा कि वो जो मेमोरी आपके पास है वो एक टेम्पररी तौर पे स्टोरेज करेगी, उसी पूरे स्टोरेज मैकेनिज्म को कहते हैं स्पूलिंग, और ये बिल्कुल ठीक है कि जो है कहते हैं वो उसके बाद आगे एग्जीक्यूट करेगा। यस, एनी मोर क्वेश्चन? आई रियली अप्रिशिएट कि सब लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर करें ताकि बाकी किसी और की कोई कंफ्यूजन हो तो उसको वो दूर हो सके। और ये डायग्राम्स और ये जो वीडियो है आई विल पुट इट ऑन टू द यूट्यूब एज वेल एंड ऑन जीसीआर एज वेल। यस, एनी मोर क्वेश्चंस?